ये कोई भी ऊन हो आपके पास। ये मैंने 3.25 mm का क्रोशिया लिया है। पहले चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, 5 चेन। फिर इसे बंद कर दीजिए। ये मैंने चेन बंद कर दी। अब क्या करना है, 1 2 2 चेन, और इसके बीच में से हमें छोटे गोले में, अब इसमें से हमें डबल क्रोशेट निकालना है इस तरह से, 1 2 3 4 12 13 14। ये हमने 14 बनाए। अब यहाँ पे हम लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये मेरा फर्स्ट राउंड हमारी बन गई। फिर हमने दो चेन किया। अब आगे क्या करना है, दो चेन करने के बाद पहले सिंगल क्रोशेट में से इस तरह से 1, फिर एक में से दो बार 1, उसी में से एक बार और उसी सेम स्टिच में से दो बार 2, इस तरह से। फिर 1 में से 1, फिर अगला जो स्टिच है उसमें से 2 बार, फिर ये जो नेक्स्ट है इसमें से 2 बार 1 और 2, इस तरह से। ये देखिए, पहले मैंने एक लिया, फिर एक में से 2, फिर एक में से 2, अब मैं फिर एक में से 1 लूंगी, फिर एक में से 2 बार, ये जो 1 है इसमें से मैं 2 बार लूंगी, 1 और 2। इसी पैटर्न पे आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 1 भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी रो में मुझे क्या करना है, हर एक क्रोशेट में से 2 बार करना है, यानी सेम स्टिच में से पहले मैं 2 चेन बनाऊंगी, 1 और 2। अब जो हर एक क्रोशिए का स्टिच है मेरा, उसमें से मैं 2 बार निकालूंगी, मीन्स एक ही स्टिच में से 2 बार 1, और उसी में से जिसमें से मैंने पहले निकाला था 2, इस तरह से। फिर आगे जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें से भी 1, और फिर उसी में से 2। अब ये मुझे थर्ड रो इसी तरह पूरी कंप्लीट करनी है। उस ये देखिए, इस तरह से हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई, 1 2 3। पहले में हमने सिंपल स्टिचेस बनाए, फिर उसके बाद हमने 1 और पहले एक में से 1, फिर एक स्टिच में से 2 निकाले, फिर तीसरी रो में हमने हर एक स्टिच में से 2 2 बार निकाला है। तो इस तरह से हमारा बन गया है। अब हमें नेक्स्ट रो बनानी है। उसमें हमने क्या किया था, पहले सबसे पहले 3 चेन स्टिच, फिर डबल क्रोशेट स्टिच इस तरह से, फिर एक चेन, 1 चेन बनानी है, और फिर नेक्स्ट में से इस तरह से डबल क्रोशेट, इस तरह से हम ये जाली का जाली जाली सा पैटर्न बनाएंगे, फिर एक चेन, और फिर जो अगला नेक्स्ट है उसमें से डबल क्रोशेट स्टिच इस तरह से, फिर एक चेन, फिर जो नेक्स्ट है उसमें से डबल क्रोशेट इस तरह से, फिर एक चेन, और फिर जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें से मैं इस तरह से बनाऊंगी। ये देखिए, तो आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह से ये मेरा पैटर्न बन रहा है। इसी तरह से मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, और फिर इसके साथ में ही बिल्कुल जो स्टिच है उसी में से हम निकाल रहे हैं, बीच में कोई भी मैं स्टिच छोड़ नहीं रही हूँ। ये हमने रो कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, सेम 1 2 3, 3 चेन स्टिच लिए मैंने इस तरह से, 3 4, इस बार मैं 4 चेन स्टिच ले रही हूँ इस तरह से। फिर जो मैंने पहले डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर ही मैं बनाऊंगी इस तरह से डबल क्रोशेट, ये देखिए। फिर अगेन 1 चेन,
एक चेन ली मैंने और वही डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से, फिर एक चेन और जो पहले बनाया था मैंने ये देखिए उसी के ऊपर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मेरी ये चेन चेन बननी शुरू हो रही है। फिर मैं एक चेन बनाऊंगी और फिर जो मैंने पहले बनाया था उसी के ऊपर डबल क्रोशेट। तो ये इस तरह से मेरी जाली बननी शुरू हो रही है आप देखेंगे तो। फिर एक चेन और जो मैंने पहले बनाया था उसी के ऊपर से इस तरह से, इस रो को आपको इसी तरह कंप्लीट करना है। फिर एक चेन और फिर ये हमने इसके ऊपर इस तरह से जाली, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा ये जाली जाली वाला पैटर्न बनेगा। फिर एक चेन जो पहले बनाया था उसी के ऊपर इस तरह से, फिर चेन और फिर उसी के ऊपर, इसी तरह से आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर मैं आपको नेक्स्ट रो बताऊंगी कैसे करनी है। ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली, आप देखेंगे इस तरह से ही मेरा जाली वाला पैटर्न बनना शुरू हो गया। अब हमें नेक्स्ट रो बनानी है, उसमें क्या करना है वही 1 2 3 4 मैंने चेन लिया है और अब जो मेरा नेक्स्ट वाला है उसके बीच में से मैं इस तरह से लूँगी डबल क्रोशेट। पहले जब हमने इसे बनाया था तो हमने एक चेन बनाई थी, अब हमें 1 और 2 चेन बनानी है और सेम उसी स्टिच के ऊपर से लेना है जिसके ऊपर से हमने पहले लिया था। इस तरह से पहले हम एक चेन बना रहे थे, अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन और सेम जो पहले था। जैसे देखिए ये इसके ऊपर मैंने ये बनाया था, फिर उसके ऊपर मैंने ये बनाया, ये था फिर इसके ऊपर ये, और इसी के ऊपर अब मैं दोबारा से डबल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरह से। बस पहले मैंने एक चेन ली थी, अब मैंने चेन 2 ली हैं, 1 और 2, अब मैं इसे इसके ऊपर बनाऊंगी इस तरह से, फिर दोबारा से 1 और 2 चेन और फिर सेम जो मेरा ये है इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से, ये वाले स्टिच के ऊपर इस तरह से, ये देखिए इसी तरह से आपको ये वाली रो कंप्लीट। आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा ये देखिए जाली वाला पैटर्न बन रहा है। अब मैं आगे इसे नेक्स्ट रो बनाऊंगी सेम उसी तरह से, 1 2 3 4 4 टाइम मैंने इसे लिया, ठीक है। उसके बाद फिर सेम इसी तरह से फोर लेने के बाद इसमें से जैसे मैंने पहले लिया था सेम उसी तरह से डबल क्रोशेट स्टिच। ये देखिए पिछली बार मैंने 2 चेन बनाई थी, पहले मैंने एक चेन बनाई थी फिर 2 बनाई थी, अब मैं यहाँ पे इस टाइम पे 1 2 3 चेन बनाऊंगी और इसमें से इसे निकालूंगी। ये देखिए पिछली रो में मैंने 2 चेन बनाई थी और उससे पहले मैंने एक चेन बनाई थी और इस रो में मैंने 3 चेन बनाई है, 1 2 3 3 चेन और इसी तरह से सेम इसी के ऊपर से लेना है जिसमें से पहले लिया था। ये देखिए इस तरह से यहाँ मैंने एक चेन बनाई थी, फिर मैंने 2 चेन बनाई, फिर मैंने यहाँ पे आके 3 चेन बनाई। फिर से 1 2 और 3 चेन और सेम इसके ऊपर से इस तरह से 1 2 3 चेन और सेम इसके ऊपर जहाँ से मैंने पहले बनाया था इस तरह से। तो ये देखिए ये इस तरह से मेरा जाली वाला पैटर्न बन रहा है। तो इस रो को आपको इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है, तो इस तरह से हमारी ये जाली जाली बन गई है। बीच में हमने बनाया था और साइड में ये जाली वाला पैटर्न बन गया। अब हम इसे आगे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक चेन बनाई थी, फिर 2 चेन बनाई थी, फिर हमने 3 चेन बनाई थी। अब हम फिर से इसे बनाएंगे उसी तरीके से, 1 2 3 4 चेन
और इसमें से इसे निकालेंगे। ये देखिए, फिर 1 2 3, थ्री चेन, फिर से थ्री चेन बनाएंगे और इससे फिर इसके बीच में से ये देखिए इस तरह से। अब मैं फिर से तीन चेन बनाऊंगी, 1 2 3, फिर थ्री चेन बनाई और इसमें से मैंने इसमें जो मैंने पहले बनाया था उसी में से इसे दोबारा से बनाऊंगी। इस तरह से फिर 1 2 3 चेन और फिर इसमें से ये वाली पूरी रो मुझे इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 1 2 3, थ्री चेन और फिर इसमें से ये देखिए, ये मेरी जाली इस तरह से बन रही है। यहाँ मैंने एक चेन बनाई थी, फिर दो बनाई थी, फिर तीन बनाई थी और फिर तीन चेन बनाई है। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट रो बनाऊंगी तो उसमें मैं चार चेन बनाऊंगी। तो इसी तरह से मैं इस पैटर्न को बनाती रहूंगी। ये देखिए, हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से हम इसे जाली और बनाएंगे। जैसे यहाँ मैंने 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 3 लिए, इसी तरह से हम इसमें चेन बीच में चेन बढ़ाते रहेंगे और इसके ऊपर हम तीन चार रोज बना लेंगे। तो इसी तरह से आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहते हैं इस तरह से इसे थोड़ा और बड़ा, यहाँ तक हम इसे थोड़ा और बड़ा बना लेंगे, फिर हम इसमें दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन इसी तरह से बनाना है। जैसे देखिए, मैंने पहले एक चेन ली, फिर मैंने दो चेन ली, फिर तीन चेन ली, फिर तीन चेन ली, इसी तरह से बीच में मैं चेन बढ़ाती रहूँगी ताकि ये मेरा सीधा गोल स्ट्रेट बने, टोपी सा ना बने। अगर मैं इसमें यहाँ पे चेन नहीं बढ़ाऊँगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक चेन बनाई थी फिर दो, तो ये मेरा मुड़ के टोपी की तरह बनने लग जाएगा। इसलिए मैं इसे सीधा स्ट्रेट बनाने के लिए इसमें चेन की क्वांटिटी बढ़ा के इसे इतना बड़ा बना लूँगी। तो सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आप इसे थोड़ा बड़ा बना लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमने ये इतना बड़ा बना लिया है। आप इसे चाहे तो और अगर बड़ा करना चाहते हैं तो और थोड़ी सी जाली बना के और बड़ा करना, अगर आपको सेंटर का ज़्यादा चाहिए। अभी हम इसमें और सेंटर का डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से हमने चेन बनाई, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है, अब हम डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर रहे हैं। देखिए, चेन छोड़ के हम कुछ और बनाएंगे। 1, अब जिसमें से पहले मैंने 1 में से लिया था, ये देखिए इसी में से मैं दोबारा से ले रही हूँ। 2, ये मैंने जो एक था उसी के ऊपर दो बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ से मैं एक, फिर मैं दो चेन बनाऊंगी, एक दो चेन बनाई मैंने और इसमें से मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी जो बीच में सेंटर में है। ये मैंने स्लिप स्टिच बनाया। अब फिर से मैं एक दो, दो मैंने चेन बनाई और ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें से मैं दो बार बनाऊंगी, 1 और इसी में से एक बार और 2। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, ये मैंने एक में से दो निकाले, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर ये दो। इस पूरी रो को मुझे इसी तरह कंप्लीट करना है। देखिए, 1 2 2 चेन, उसके बाद जो ये बीच में मेरी जाली बनी हुई है इसमें से मैंने ये स्लिप स्टिच बनाया इस तरह से, उसके बाद फिर एक और दो चेन और इसमें एक में से दो बार डबल क्रोशेट, 1 और फिर इसी में से अगेन 2। ये देखिए, तो ये मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। फिर मैं इसे इसी सेम इसी तरह से कंटिन्यू कर, ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गया। देखिए, ये 1 था, 1 के ऊपर हमने 2 बनाए थे। ये देखिए इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 था, इसके ऊपर हमने 2 बनाए थे। यहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था छोटे वाला, बिल्कुल सिंगल क्रोशेट, और यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशेट बनाए, 4। ये अब हम इसमें सेकंड रो बनाएंगे। देखिए, हमने पहले रो बना ली थी, दो स्टिचेस, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर दो स्टिच। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से वैसे ही 1 2 3 चेन, ये दो स्टिचेस हैं जो हमने बनाए थे, वो वाले स्टिचेस हैं।
ये हमने इसके ऊपर इस तरह से, पहले हमने यहाँ बीच में जो स्लिप स्टिच बनाया था, ये देखिए पहले हमने दो बनाए थे, फिर एक में बीच में स्लिप स्टिच, फिर दो इस तरह से। अब हमें ये वाले स्लिप स्टिच में नहीं बनाना है, इसमें चेन हमें लूज छोड़नी है। 1 2 3 4 चार चेन बनाई मैंने इस तरह से। अब जो पहले दो स्टिचेस थे उन्हीं स्टिचेस के ऊपर मुझे दोनों स्टिचेस बनाने हैं दोबारा से, 1 और इसके ऊपर भी 2। ये देखिए बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले मैंने स्लिप स्टिच बनाया था, मैंने वो नहीं बनाया, दो के ऊपर दो बनाए, फिर इसको मैंने छोड़ दिया, फिर दो के ऊपर मैंने दो बनाए, फिर से मैं चार चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। ये देखिए मैंने 4 चेन बनाई, और जो हमने लास्ट में स्लिप स्टिच बनाया हुआ था इसको छोड़ दिया। अब ये दो के ऊपर मैंने फिर से 2 बनाया, 1 और 2। इस पूरी रो को मुझे इसी तरह से कंप्लीट करना है। वन टू थ्री फोर, ये वाला स्लिप स्टिच ऐसे ही छोड़ दीजिए, जहाँ पहले 2 स्टिचेस बनाए थे उसी के ऊपर दोबारा से 1 और 2। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन आगे बनेगा। ये देखिए ये 2 के ऊपर 2 बनाए, और ये बीच में जो स्लिप स्टिच था ये छोड़ दिया, 2 के ऊपर 2 बनाए, फिर 2 के ऊपर 2 बनाए। इसी तरह से इस पूरी रो को आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसे पहले स्लिप स्टिच करके बंद कर दूँगी। ये मैंने स्लिप स्टिच किया तो ये मेरी पूरी रो इस तरह से देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे आगे बनाते हैं, नेक्स्ट रो कैसे बनानी है। नेक्स्ट रो बनाने के लिए हमें क्या करना है, 1 2 3 4, जैसे हमने पहले 4 चेन स्टिच लिए थे। अब इसके बीच में पहले 1 था, 1 के ऊपर हमने 2 बनाए थे, उसके ऊपर हमने फिर 2 बनाए थे, अब हम यहाँ 3 बनाएंगे। ये 1 मैंने बना दिया चेन स्टिच से, 1 2, एक और इसी के बीच में से 3। ये देखिए इस तरह से ये 3 हो गए, 1 2 2, फिर यहाँ मैंने ऊपर 3 बना दिए। अब मैं बनाऊंगी 1 2 2 चेन, उसके बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर 2 चेन, 1 2 2 चेन, और इसके ऊपर जो हमने पहले बनाए थे यहाँ पे 3, 1 और इस वाले में से 2 बार, 2 और इसी में से 3। ये देखिए इस तरह से, ये पहले हमने 1 बनाया था, फिर मैंने 1 के ऊपर 2 बनाए, फिर उसके ऊपर इस बार मैंने 3 बनाए हैं। यहाँ पे बीच में मैंने स्लिप स्टिच बनाया है और इसे आगे इस तरह से बनाया है। ये देखिए मैं फिर से बनाती हूँ, 1 2 2 चेन, स्लिप स्टिच, फिर 1 और 2 चेन, और इसमें से 3, 1 2, और फिर इसी में से 3। ये देखिए तो आपका ये कुछ इस तरह से बनेगा पैटर्न। देखिए 3, पहले 1 था, फिर 2, पहले यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 2 के ऊपर। देखिए एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको, 1 2 चेन, और ये जो हमने नेक्स्ट बनाया था इसमें से स्लिप स्टिच, 1 2 चेन, और इन 2 के ऊपर हमें 3 बनाने हैं। तो पहला मैं पहले डबल क्रोशेट में से डबल क्रोशेट ले लिया, फिर जो दूसरा डबल क्रोशेट है इसमें से 2 टाइम्स ले लूँगी, तो ये 3 हो जाएंगे, 2 3। ये देखिए
ये इस तरह से बना, 1 2 3। अब जब मैं नेक्स्ट रो लाऊंगी तो उसमें मैं ये वाला जो बीच में मैं डिजाइन बना रही ये नहीं बनाऊंगी, सिंगल चेन बनाऊंगी, फिर उसके आगे आऊंगी तब इसमें मैं इस तरह से डिजाइन बनाऊंगी। तो इस तरह से मेरा कुछ डिजाइन बनता रहेगा। तो इस पूरी लाइन को पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है, 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3। अब हम इसके ऊपर दोबारा से 3 बनाएंगे, लेकिन इस टाइम हम ये वाला स्टिच नहीं बनाएंगे, सीधा इस चेन को ले जाएंगे जैसे हमने सेकंड के टाइम पे किया था। तो हमने वैसे ही बनाना है, 1 2। ये मैंने चेन बनाई और ये 3 के ऊपर ही 3 बनाने हैं। एक और फिर जो तीसरा था मेरा वो उसी के ऊपर, ये 3, ये 3 के ऊपर फिर मैंने 3 बना लिए, 3 के ऊपर फिर 3 है। अब दोबारा से 1 2 3 4, 4 चेन। अब मैं इसमें नहीं करूँगी, ये जो 3 है इसके ऊपर दोबारा से 3 बनाऊँगी। वन टू टू और ये 3। ये देखिए 3 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3, पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर अगेन 3। अब दोबारा से चेन, 1 2 3 4 और इस 3 के ऊपर फिर से 3। इसी तरह से आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, 2 3। ये देखिए तो ये आपका डिजाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये डिजाइन ऊपर, ये देखिए हमने इसमें ये रो भी कंप्लीट कर ली है, तो हमारा ये इस तरह से बन गया है।